Hello, hi. I hope you are doing great and I welcome you to the third lecture of this amazing digital marketing series, that is Mediums of Digital Marketing. In this course, you will get to know the four most important methods of doing digital marketing. Number one, search engine optimization. Number two, affiliate marketing. Number three, search engine marketing or Google Ads. Number four, social media marketing. As in this course, you already know that we are going to focus on search engine optimization and affiliate marketing. But through this lecture, I want that you have in charo mediums ke basics clear ho jaye. So, number one is search engine optimization. Do you know that Google par jitne bhi log kuch bhi search karte hain, to unme se maximum number of log pehle result par hi click karte hain. Let me show you with the data. So, 28.5% log तो पहले रिजल्ट पर क्लिक करते हैं, देन 15.7% सेकंड रिजल्ट पर, 11% थर्ड पर, देन 8% फोर्थ पर और 10th रिजल्ट पर जाते जाते सिर्फ 2.5% लोग ही क्लिक करते हैं। मतलब जस्ट सपोज कि एक दिन में अगर 100 लोगों ने सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो उन 100 लोगों में से अप्रोक्सीमेटली 29 यूजर्स तो पहले रिजल्ट पर ही क्लिक करते हैं, 16 यूजर्स सेकेंड रिजल्ट पर, 11 यूजर्स थर्ड पर। बेसिकली सबसे ज़्यादा लोग सबसे टॉप वाले वेब पेज पर ही जाते हैं, उससे कम सेकेंड वाले रिजल्ट पर, उससे कम थर्ड पर, उससे कम फोर्थ पर एंड सो ऑन। और अगर किसी वेबसाइट को सर्च इंजन से मैक्सिमम ट्रैफिक यानी मैक्सिमम लोगों को अपनी वेबसाइट पर लेकर आना है, तो उन्हें सर्च इंजन में सबसे ऊपर रैंक करना पड़ता है, और सबसे ऊपर रैंक करने में ही हमारी हेल्प करती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेट्स से अगर कल को मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ digitalmarketingexperts.com, और digitalmarketingexperts.com के अंदर एक वेब पेज पर मैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आर्टिकल लिखता हूँ, तो आई वुड वांट कि जो भी लोग सर्च इंजन पर जाकर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट डज डिजिटल मार्केटिंग मीन्स और एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग, तो आई वुड वॉन्ट कि मेरा ये वेब पेज सर्च इंजन पर टॉप पर दिखे, और उसे टॉप पर दिखाने के लिए देन आई नीड टू डू द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ माई वेबसाइट। और मैं जितनी ज़्यादा अच्छी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करूँगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि जब भी कोई यूज़र व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा, तो मेरा वो वेब पेज सर्च इंजन पर सबसे ऊपर रैंक करेगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैफिक मेरे वेब पेज पर ही जाएगा। SEO में होता ये है कि हमें अपनी वेबसाइट पर कुछ ऑप्टिमाइजेशंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इन ऑप्टिमाइजेशन को आप टेक्निक्स भी कह सकते हैं। सो हमें वेबसाइट पर सर्च इंजन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कुछ टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इसको हम आने वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिकली सीखेंगे। फॉर नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड मीडियम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। इन द लास्ट लेक्चर आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट एफिलिएट वेबसाइट्स एंड हाउ दीज वेबसाइट्स डू मार्केटिंग ऑफ अदर कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड इन रिटर्न दे मेक कमीशन। जैसे Amazon हो गई, Amazon अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग कराती है विद एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, और बाकी सारे वेबसाइट ओनर्स उनके इस एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके एक एफिलिएट बन सकते हैं, और जब इन प्रोडक्ट्स की सेल होनी शुरू होती है तो इन एफिलिएट्स को उसके उस पर्टिकुलर सेल के अमाउंट में से कुछ कमीशन रिसीव होता है। इन दिस कोर्स वी विल लर्न कि हम वर्डप्रेस यूज़ करके एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, देन उसी वेबसाइट को हम एक Amazon एफिलिएट अकाउंट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, देन थर्ड उसी वेबसाइट का SEO करके हम कैसे उस वेबसाइट को सर्च इंजन पर टॉप पर रैंक कराकर उस वेबसाइट को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। लाइक SEO, सर्च इंजन मार्केटिंग और गूगल एड्स आर ऑल्सो यूज व्हेन यू वॉन्ट टू शो योर वेब पेज ऑन द टॉप ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट्स, बट हियर यू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू गूगल टू शो योर वेब पेज इन द फॉर्म ऑफ एन एडवर्टीजमेंट ऑन द टॉप ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट्स, और इस एडवर्टीजमेंट को ही कहा जाता है गूगल एड्स। नाउ जस्ट सपोज कि किसी को इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स स्टडी करना है, तो वो पर्सन गूगल पर जाकर सर्च करता है इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स, सो यहाँ पर यू कैन सी देर इज एन एड ऑन द टॉप। इस एड पर क्लिक करके यूजर यूडेमी के वेब पेज पर जा सकता है। दिस एडवर्टीजमेंट इज नोन एज ए गूगल एडवर्टीजमेंट। इस पूरे प्रोसेस में तीन मेजर एलिमेंट्स हैं। नंबर वन इज द एडवर्टाइजर और द इंस्टीट्यूशन हु वॉन्ट्स टू सेल देयर इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स। For example, here the advertiser is Udemy. Number two is the potential customer, जो इस interior design course को search कर रहा है. And number three is the search engine itself, मतलब Google,
जहां पर एडवर्टाइजर जो इंटीरियर डिजाइन कोर्स सेल करना चाहता है वो अपने पोटेंशियल कस्टमर को जो कि इंटीरियर डिजाइन कोर्स के बारे में सर्च कर रहा है उसे गूगल एड्स का यूज करके अपने कोर्स के वेब पेज तक लेकर जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, तो फिर SEO और सर्च इंजन मार्केटिंग में फ़र्क क्या होता है? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस ये हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप गूगल को कुछ पे नहीं करते, बट इन द केस ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग और गूगल एडवर्टीजमेंट्स आपको गूगल को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है टू शो योर वेब पेज इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट्स ऑन द टॉप ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट्स। बट SEO एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें कभी कभार 4 to 5 months और कभी कभार मोर देन 1 year भी लग जाता है टू रैंक योर वेबसाइट ऑन द टॉप ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट्स। बट गूगल एड्स एक इमीडिएट प्रोसेस होता है, इसमें आप गूगल को डायरेक्टली बोलते हो कि वह आपकी वेब पेज को इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट्स गूगल पर दिखाए। नाउ दिस इज समथिंग यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाइल यूजिंग पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब और मैनी अदर्स आर देयर। आपने कभी कभार यूट्यूब पर वीडियो चलाते हुए वीडियो के बीच में या वीडियो की शुरुआत में या वीडियो के एंड होते हुए कुछ एड्स देखते होंगे, तो ये एड्स सोशल मीडिया मार्केटिंग एड्स होती हैं। या फिर आपने कभी कभार फेसबुक को चलाते हुए फेसबुक की वॉल के बीच में ही स्पॉन्सर्ड एड्स भी देखी होंगी, तो वो सभी एड्स सोशल मीडिया मार्केटिंग एड्स का ही एग्जाम्पल होती हैं। एंड एज मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म्स, मोर कंपनीज एंड मोर इंडिविजुअल्स आर यूजिंग दिस एड्स टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू पीपल। सो गाइज, अभी के लिए दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड आई होप आपको डिजिटल मार्केटिंग के मीडियम्स के बारे में बहुत कुछ नया पता लगा होगा। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट इज SEO एंड मोर टू इट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।